हिमाचल के ज्वाली के भलू गांव को पंचायत का दर्जा दिए जाने के बाद विधायक अर्जुन ठाकुर का गांव में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। भाजयुमो नेता कवि ठाकुर के नेतृत्व में गांववासियों ने बैंड बाजों के साथ विधायक का स्वागत किया। गौरतलब है कि भलू गांव के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि उनकी अलग पंचायत बनाई जाए। लोगों ने यह मांग विधायक के समक्ष उठाई थी। इस अवसर पर विधायक अर्जुन सिंह ने कहा कि जयराम सरकार सभी के हित को ध्यान में रखकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायतें विकास की गंगा होती हैं। आज जो भी केंद्र व प्रदेश से विभिन्न योजनाओं से पैसा आ रहा है वह पंचायतों के माध्यम से खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि नई पंचायतों के गठन से विकास में तेजी आती है। विधायक ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री द्वारा नई पंचायत के गठन का विरोध करने पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि वह अपने कार्यकाल में ऐसा करने में नाकाम रहे और अब जब भाजपा की सरकार लोगों के हित में नई पंचायतें बना रही है तो वह भ्रामक बयानबाजी करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस शासन काल में एक गलत निर्णय के तहत कई ऐसे गांवों को नगर पंचायत में डाल दिया था जिसमें अति गरीब लोग रहते हैं, जिन्हें उनकी पंचायत ने नगर पंचायत से बाहर करके गरीब लोगों को राहत दी है। उन्होंने कहा कि अब पूर्व मंत्री इस मुद्दे पर अदालत जाने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने पूर्व मंत्री से पूछा कि वह ये साफ करें कि वह नई पंचायतों के गठन के पक्ष में है या विपक्ष में है। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। नहीं है, ये केवल पंचायत नहीं है, ये विकास की गंगा है और पंचायत बनाना बहुत मुश्किल काम है। मैं इस मन से उनसे पूछता हूं, आप गए जो किसानों के विरोध में वहां प्रदर्शन करने, वहां पंचायतों के पेंट और कच्चे कब से बनाने शुरू कर दिया? मैं कहना चाहूंगा उन्होंने पिछली बार मरियाणा पंचायत बनाई, 225 लोग हैं सिर्फ, 225 हमारी पंचायत है, हमने नहीं विरोध किया, हमारी कैरिया गांव डाल दिया नगर पंचायत में, धन में गरीब बस्ती डाल दी नगर पंचायत में, हमने विरोध नहीं। आज भी बनई के लोग, मकड़ान के लोग डिमांड कर रहे हमें नगर पंचायत से निकालो। मैं इस मत से पूछना चाहता हूं लोगों से, आप बताएं आप नई पंचायतों के बनने के पक्ष में कि विपक्ष में? मैं कहना चाहता हूं ये जो आपकी छोटी बहुत छोटी पंचायत है, छोटी नहीं है, जितनी भी है बढ़िया है। अगर मैं इनकी जगह होता मैं पिछले 5 साल में विपक्ष में रहा, हार कर दी, हमने कभी कटाक्ष नहीं किया। किसी का रास्ता बन रहा है तो बनने दो भाई, बन रहा है हमारा ही, किसी की सड़क बन रही है तो बनने दो, जहां तो हम नलका लगाते हैं तो कांग्रेस वाले अडंगा डालते हैं, नलका क्यों लग रहा है? अरे जिनका नलका आज अर्जुन सिंह लगा रहे हैं, श्री जयराम ठाकुर जी लगा रहे हैं, ठाकुर महेंद्र सिंह जी लगा रहे हैं, उन्होंने कभी 35 साल आपकी भी तो सेवा की है। इसलिए मैं नगर पंचायत के लिए जाऊंगा, इस अदालत में हाई कोर्ट में जाएं आप। अरे आपने कभी गरीब महाशयों की वादी भी देखी ठंड में? जिनके पास रोटी नहीं होती उनका पानी का बिल कितना जाता है, बिजली का बिल कितना जाता है, और अगर कहीं घर बनाना हो तो उसका नक्शा पास करने के लिए कितना पैसा लगता है? आपने तो बना ली जंगलात में बहुत बड़ा महल, हम अभी है उधर से यार हो, ठंगर से आ रहा हूं मैं, आपके लिए कोई कानून नहीं, और नगर पंचायत ढूंढ रहे हैं। मैंने डाल दी पंचायत, दान मंत्री में हिम्मत है तो जाए कोर्ट में, करेगा मुकदमा, देख लेंगे अंदर अंदर से पूरे ढंग वाले खुश हैं पर वो नाराज है। कहते अपने भाषण में जब मेरे पास से महकमा आया तो मैं बजट किसको दूं, तब मैंने सोचा इसको बना देता हूं। अरे नगर पंचायत का रूल है 2500 से ज्यादा जिसकी आबादी होगी जिस पंचायत की, वहां नगर पंचायत बन सकती है। केवल और केवल ज्वाली ही नगर पंचायत बन सकती थी, कैरी और ढान को तो सजा दी।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.